अपने आप को एक प्रकार से कंफर्टेबल जोन में फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, अवश्य पूछा जाएगा। साथियों, आज आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल उठा और तुम्हारे लिए वीडियो शूट करने चलाया। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है सिर्फ अब पढ़ाना है और पढ़ाया हम बच्चों को, ठीक है। बहुत बच्चों का सर ये नहीं कंप्लीट हुआ, वो नहीं कंप्लीट हुआ। भाई इंसान तो मैं एक हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक दूसरे से सारी चीजें क्या कर दूँ, को रिलेट कर दूँ। आप को रिलेट मात्र कभी समझ नहीं पा रहे। अरे भाई जैसे हमने पढ़ाई पॉलिटी पॉलिटिक्स रिलेट हो, ज्योग्राफी स्ट्रेटजी के सब कुछ रिलेटेड, कभी कभी उसका तो भी मत समझो कि वो किस लिए मैं बताता हूँ किस लिए करवाता हूँ। हम जाते हैं हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क में फायदा ये कि आप कम मेहनत में सफल हो जाएंगे। तो साथियों, लास्ट टाइम जो हमारी एक प्रकार से चले थे क्या विश्व के प्रमुख संगठन मुख्यालय, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को पढ़ लिया था। आज देखो जो पढ़ते हैं हम लोग, आगे उसको पढ़ते हैं 29 नंबर में क्या लिखा हुआ, विश्व बैंक। अब भैया विश्व बैंक का मुख्यालय पहले देख लो, पहले उसको हम बड़ा कर ले थोड़ा सा, जिससे तुम्हें दिखने लगे। चलो भैया अब बात बहुत ध्यान समझो। सबसे पहले क्या समझो, विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। और आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात है कि वाशिंगटन डीसी जो राजधानी है ना, वो किसकी बच्चा यूएसए की है, और यूएसए की राजधानी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। और आप सबको ज्ञात है कि वाशिंगटन डीसी जो है एक प्रकार से किस नदी के किनारे है, वो भी पता है आपको, पोटोमैक रिवर, ठीक है। और सबको पता चाहिए यूएसए में एक स्थित है क्या, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस मतलब वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस, और व्हाइट हाउस का मतलब पता है जहां पे अमेरिका का राष्ट्रपति निवास करता है, ठीक है। पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से, ना पढ़ाओ फिर आज मैं बता दे रहा हूं। ये जो विश्व बैंक है और एक है IMF जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, IMF और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है वाशिंगटन डीसी में। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कि जो IMF है और विश्व बैंक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं जुड़वा बहन के नाम से। जुड़वा बहन के नाम से किसे जानते हैं? IMF और विश्व बैंक को। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब ये एक प्रश्न बनता है कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना कौन से सम्मेलन से हुई? तो याद रखिएगा एक सम्मेलन का नाम है जिसको बोलते हैं ब्रिटेन उर्स सम्मेलन। ब्रिटेन उर्स सम्मेलन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना के लिए मीटिंग कहां पर हुई थी? पहले ब्रिटेन उर्स में हुई थी। उससे निर्णय लिया गया कि विश्व में एक IMF संगठन बनाया जाएगा और एक विश्व बैंक बनाया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि IMF की मुद्रा का नाम क्या है। तो IMF की मुद्रा का नाम है SDR। SDR मतलब जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा, हमने बताया था, स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या होता है भैया? स्पेशल ड्राइंग राइट। ये किसकी मुद्रा का नाम है? ये मुद्रा का नाम है IMF की। जैसे इंडिया की मुद्रा क्या होती है? रुपया। पाकिस्तान की? पाकिस्तानी रुपया। तो इसी प्रकार इसकी भी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग है, SDR। इतने प्रश्न आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये संगठन हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है भाई। अब बात करते हैं अगले संगठन की ओर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में। और आप सबको पता है कि जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा नगर है, मतलब सबसे बड़ा शहर है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। बर्न मतलब जब हम लोग जल जाते हैं तो वही बर्न है जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। क्लियर भाई? ये भी याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो गठन हुआ था ना, वो कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को। ये भी प्रश्न बनेगा कि जो 7 अप्रैल है उस दिन क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भैया? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को भली भांति कर सकते हो। क्लियर होगी बात? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी भाई। चलो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हम कहने कहां पर है? जिनेवा में। आप आसानी से इसको बता सकते हो। अगला, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण वियना, हमने बताया था संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। ये अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, औद्योगिक विकास संगठन मतलब यूनिडो। यूनिडो मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिडो और ऊपर वाले को बोलते हैं IAEA, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अभिकरण को एजेंसी भी कहते हैं। और दोनों का मुख्यालय वियना में पड़ता है। कहां पर? वियना में। और हमने बताया था वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रिया की है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पड़ती है भैया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में तीन चीजें का मुख्यालय है, और तीनों खतरनाक है। एक है परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, एक है औद्योगिक विकास संगठन का, और एक है ओपेक का, पेट्रोलियम वाले का। फिर अगला बेटा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में भी है, ठीक है। फिर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर बच्चा? वियना में है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय वियना में। फिर रासायनिक हथियार निषेध द हेग में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में। मैं आप सबको एक बार बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, जो रासायनिक हथियार निषेध और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, दोनों के मुख्यालय आपको हेग दिख रहे हैं। हेग किस देश में पड़ता है? सबको पता होगा कहां पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। हेग भैया पड़ता है कहां पर? नीदरलैंड में। ये याद रखिएगा, नीदरलैंड की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? तो नीदरलैंड की कैपिटल का नाम है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम भाई, ठीक है। फिर ये याद रखिएगा, नीदरलैंड के निवासियों को पहले किस नाम से जानते थे? तो याद रखिएगा, डच भी कह सकते थे, और यही के निवासियों को हॉलैंड भी कहते थे। क्योंकि आपने इतना तो परिचय प्राप्त किया ही होगा कि भारत आने वाले जो यूरोपी थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, डच थे, डेनिश थे, स्वीडिश थे और स्पेनिश थे, उन्हीं में से जो डच थे बालक, वो डच जो थे नीदरलैंड के निवासी थे। क्लियर होगी बात? उन्हीं को हॉलैंड कहते हैं, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड में दो मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और रासायनिक हथियार निषेध। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अंतिम संगठन की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? UNO। UNO का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो याद रखना आपको, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। और याद रखिएगा, जो न्यूयॉर्क है भैया, वो किस नदी के किनारे है? तो याद रखना आपको, हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे है। देखो ये भी मैं थोड़ा सा बोल लाऊंगा, बोल्ड मैं अच्छे से बता दूं, तो क्योंकि यहां पे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है। तो यूनो ने लिख लिया, यूनो ने लिख लिया मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भाई। फिर ये देखो बहुत अच्छी बात कि यूनो का गठन कब हुआ भैया? तो याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। तभी तो प्रश्न आता है कि यूनो दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर प्रश्न क्या आता है बालक? फिर प्रश्न आपका बहुत धुआंधार आता है कि यूनो का हेडक्वार्टर कहां पर भैया? तो यूनो का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और बालक आप सबको पता है न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे है? तो आप सब भली बात परिचित हो, ये स्थित है हडसन नदी के किनारे।
बालक औरत से आपको पता चलेना है तो न्यूयॉर्क को एक प्रश्न और आता है पेपर में, बिग एप्पल सिटी किसे कहते हैं, तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। फिर ये प्रश्न आता है गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं भैया, तो याद रखिएगा गगनचुंबी इमारतों का शहर बोलते किसको, न्यूयॉर्क को कहते हैं। तो न्यूयॉर्क के बारे में इतने प्रश्न याद रखिएगा। अब बात करती है योनो के अंग कितने हैं, तो याद रखिएगा योनो का बहुत बड़ा प्रश्न आता है कितने अंग, टोटल अंग छह, कितने अंग छह, तो भाई देख लो छह अंग कौन कौन से हैं, तो ये भी प्रश्न आपका हो जाएगा अच्छे से। एक तो आपका महासभा, दूसरा बच्चा सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहते हैं, तीसरा बच्चा प्रन्यास परिषद, और चौथा है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये हो गया आपका चार हो गए। पांचवा जो अंग है उसका नाम है सचिवालय, और जो छठा अंग है अभी आपने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जिसको कहते हैं। और बालक आप भली भांति परिचित हो, क्या परिचित हो, जो ऊपर के आपको अंग दिख रहे हैं कितने अंग, ये अंग जो दिख रहा है ये पांच, पांच अंग जो दिख रहे हैं इनका मुख्यालय कहां पर है, इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, लेकिन जो छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपने अभी खुद पढ़ा कहां पर है बालक, वो है द हेग, द हेग कहां पर था नीदरलैंड, और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और जिसको डच या हॉलैंड के निवासी भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर बात। अब ये बहुत ध्यान समझो, इसको छोटा करेंगे क्योंकि चीजों को और ये पे ऐड करेंगे हम, तो इतनी बात समझ में आ गई ना। अब बात समझना भैया, ये किसी में मुख्यालय है जो पेपर में प्रश्न आता है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद का क्या प्रश्न आता है देख लो, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तो सुरक्षा परिषद का बालक प्रश्न आता है बहुत अच्छे से, क्या आता है देखो, सबसे पहला प्रश्न आता है इसमें टोटल सदस्य कितने हैं, सदस्य देश कितने हैं, पंद्रह, कितने पंद्रह। इन सदस्य देशों में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, कैसे होते हैं, एक होते हैं स्थायी और एक होते हैं अस्थायी, एक होते हैं स्थाई और एक होते हैं अस्थाई। फिर बालक बहुत ध्यान देखो, स्थाई कितने होते हैं, पांच होते हैं, अस्थाई कितने होते हैं, दस होते बालक, ठीक है। फिर बालक यहीं पे प्रश्न नो की प्रकृति याद देखो, ये पांच स्थाई वाले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा बालक, एक का नाम है ए, ए मतलब क्या होता है अमेरिका, फिर बी, बी मतलब क्या होता है ब्रिटेन, फिर सी, सी मतलब क्या होता है चाइना, ठीक है, सी मतलब क्या होता है चाइना, फिर एफ, एफ मतलब क्या होता है फ्रांस, फिर बालक एक और बचा यहाँ पे क्या बचा आर, आर मतलब रसिया। तो पांच स्थाई देश है कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, बाकी दस अस्थाई। इस अस्थाई देशों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो दस अस्थाई है ना बच्चा, दस अस्थाई ये प्रत्येक दो वर्ष में क्या होते हैं बदलते हैं, प्रत्येक दो वर्ष में क्या होते हैं बदलते रहते हैं। अब बहुत ध्यान समझो, ये सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए। और दुनिया का पुलिस मैन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं सुरक्षा परिषद को। फिर बालक यहीं पे पकड़ बना लो अपनी, क्या पकड़ बनाओगे कि भाषाएं कौन कौन सी हैं, मुख्य भाषाएं पहले देखो यूएनओ की कौन कौन सी हैं, दो प्रश्न आएंगे, एक पहले तो मुख्य बताओ कौन कौन सी भाषा है, तो मुख्य में याद रखेगा एक का नाम है इंग्लिश और एक का नाम है फ्रेंच, ये हो गई मुख्य भाषा। ये भी बालक प्रश्न आएगा कि कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है, एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज, एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज याद रखेगा एक है रशियन, एक है स्पेनिश और एक का नाम है अरबी, ठीक है। तो रशियन, स्पेनिश और जिसका एक का नाम है क्या अरबी, तो कुल मिलाकर ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये भी एक और भाषा बच्चा है उसका क्या नाम, उसका नाम है चीनी। तो चार कार्यकारी भाषाएं हैं और दो मुख्यकारी हैं, तो ये भी आपको प्रश्न क्लियर हो गया। फिर ये प्रश्न पूछा जाएगा योनो से, योनो के पहले महासचिव बताओ, योनो के फर्स्ट महासचिव, तो पहले महासचिव का नाम याद रखना क्या नाम है, त्रिगवेली। और सबसे बड़ी बात याद रखना त्रिगवेली किस देश के, तो नॉर्वे के हैं। और उससे भी बड़ी बात, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। उससे भी बड़ी बात, नॉर्वे को क्या कहते हैं, मध्यरात्रि के सूर्य का देश बोलते हैं। अगला बेटा वर्तमान में कौन है महासचिव, तो वर्तमान में आठवें नंबर के महासचिव है, क्या नाम है, तो आपको याद रखें एंटोनियो, एंटोनियो गुतरेस, ये आठवें नंबर के क्या है महासचिव है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा योनो था जहां से योनो में प्रश्न आते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं हर एक प्रश्न को, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। चल भाई अब हम लोग पहुंचते हैं अपने मुख्य टॉपिक की ओर, जहां पे तो इस प्रकार हमारे विश्व के प्रमुख संगठन के मुख्यालय का क्या होता है, समापन होता है, और यहां से जड़ी ले प्रश्न आपके सारे के सारे क्लियर हो गए, एक प्रश्नों पर हमने चर्चा की। अब हम लोग पढ़ेंगे एक अगला जो टॉपिक है स्टडी जीके का, वो क्या है तो देखते हैं अच्छे से। तो बहुत अच्छे से अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख, यहाँ पर क्या लिखा है संगठन लिख गया, तो इसको थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो जिससे ज्यादा दिक्कत भी ना हो। संगठन नंबर लिए विश्व की प्रमुख संसद, इंपॉर्टेंट पार्ट पार्लियामेंट आता है वर्ल्ड, तो याद रखिएगा बालक ये जो पार्लियामेंट है किस देश में इनको क्या कहा जाता है, ये चीज आपको बतानी यहाँ पर, ठीक है। तो बात समझना बहुत ध्यान से, हर एक चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे बताऊंगा। चलो भैया अब यहाँ पे एक तरफ आपको देश दिख रहे होंगे, एक तरफ संसद दिख रही होंगी, तो आपको पता है भारत में संसद को क्या कहते हैं, संसद ही कहते हैं, तभी तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है। रूस में क्या कहते हैं ड्यूमा कहते हैं, क्या कहते हैं ड्यूमा, और यहाँ पे जो देश मिलेगा उसकी राजधानी भी याद कर लो, इससे आपको क्या होगा एक टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लियर हो जाएगा, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी। तो यार भारत की तो बच्चों बच्चों को पता है ना, पता तो आज ना कटवा लो अपनी और जाके क्या कर दो, रख दो कोने में कहीं, क्या हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, भारत की राजधानी आज तक हम नहीं पढ़ पाए, हमसे शिकायत न करना, घरवालों से करना कि आपने पाया नहीं, क्योंकि आपको भारत की राजधानी नहीं पता बालक। तो यहाँ पे रूस की संसद का नाम ड्यूमा और रूस की राजधानी याद रखेगा जिसको बोलते हैं मास्को, मास्को अच्छा ठीक है, तो मास्को हो गया। स्पेन की संसद का नाम बोलते हैं कोल्टेस, क्या बोलते हैं बालक कोल्टेस बोलते हैं, और स्पेन की राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या नाम है मैड्रिड। फिर ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट और ब्रिटेन की राजधानी बच्चों बच्चों पता है लंदन। तो यहाँ पे मरनी नहीं है, मरनी नहीं है, ये पूरा पूरा क्या है, ये जर्मनी लिखा हुआ है, और जर्मनी में क्या बोलते हैं संसद को बुंडेसटैग, और जर्मनी की राजधानी क्या है तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। फिर बालक मंगोलिया, मंगोलिया में संसद को खुरल कहते हैं, क्या कहते हैं खुरल, और मंगोलिया का प्रश्न याद रखेगा इसकी राजधानी उलान बटोर, उलान बटोर, और याद रखिएगा मंगोलिया का प्रश्न और आता है वजह से क्या आता है तो आप सबको पता चाहिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान
कार जो राजस्थान पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो पड़ता है कहां पे, अफ्रीका महाद्वीप में, एक विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जिसको कहते हैं, और ये आज एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो उसको क्या कहते हैं, गोबी, और गोबी जो मरुस्थल है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कहां का है, एशिया लार्जेस्ट, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है जो मंगोलिया प्लस चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, फिर अगला बेटा इतने रखते, फिर आगे बढ़ते हम लोग, तो चीजों को बहुत ही अच्छे से बना के एक एक चीज पढ़ेंगे हम लोग मजे से। भाई देखो अगला क्या है, अगला भाई आपको दिख रहा होगा ईरान, ईरान की संसद का नाम क्या, मजलिस, क्या नाम है, मजलिस, तो भाई ईरान की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है, तेहरान। फिर ताइवान, ताइवान की संसद का नाम युआन, और ताइवान की राजधानी पता होना चाहिए ताइपे, क्या है, ताइपे। अब ये बहुत अच्छे से देखो, इजराइल, इजराइल की संसद का नाम नेसेट, और इजराइल की राजधानी एरूसलम, यहाँ पे दो टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, जो पूरी राजधानी इंपॉर्टेंट और प्लस कहाँ की संसद का क्या नाम है, और इजराइल की राजधानी जो एरूसलम है, इसका एक प्रश्न आता है कि होली लैंड किसे बोलते हैं, होली लैंड मतलब पवित्र भूमि, और याद रखिएगा ये जो पवित्र भूमि है इसराइल में यहूदियों के लिए है, इसके लिए यहूदियों के लिए, जैसे एक धर्म क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, उसी प्रकार एक होता है यहूदी, और यहूदी को इंग्लिश बोलते हैं जीव, JEW, और याद रखिएगा हिंदू लोग तो यहाँ पे यहूदियों के लिए प्रसिद्ध भूमि है यरूशलेम, जिसको पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं, जो इजराइल की कैपिटल भी है, और बालक याद रखिएगा जिस प्रकार हिंदू बंदा जाता है यहाँ पे मंदिर में पूजा करने, भोलेनाथ पे जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, उसी प्रकार मुस्लिम भाई लोग जाते हैं मस्जिद में माथा टेकने, उसी प्रकार भाई याद रखिएगा जो यहूदी है ना वो लोग कहाँ पूजा करने जाते हैं, वो लोग जाते हैं पूजा करने, तो याद रखिएगा सिनेनाथ, पूजा करने कहाँ जाते हैं लोग, सिनेनाथ जाते हैं। एक एक प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में फंसेगा, तुम क्या समझते हो स्टैटिक जीके ऐसे ही है, स्टैटिक जीके जो ये वाली है ना ये वाली कहीं तुमको मिलने वाली नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ को रिलेट है। अरे भाई कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, काहे फालतू के चक्कर पढ़ो इधर उधर, ठीक है, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, तुम्हें लगता होगा कि राघव सर आए भगवान चले गए, अरे भैया जो तुमको पढ़ा रहे ना वो सॉलिड चीज है, और इससे ज्यादा प्रश्न आते नहीं है याद रखिएगा। चलो भाई आगे देखते हैं, तो इतना हो गया, अब देखते हैं जापान, जापान की संसद का नाम डायट है, और जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जापान की जो राजधानी उसको बोलते हैं टोक्यो, और जापान की मुद्रा पूछी जाती है पेपर में करेंसी, तो मुद्रा का नाम याद रखिएगा एन, और सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, सूर्योदय का जापान को कहते हैं भैया, मालदीव, मालदीव की राजधानी, सॉरी संसद का नाम मजलिस, और राजधानी मालदीव की माले। फिर बालक स्वीडन, स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडाग, और राजधानी की बात करते हैं स्टॉकहोम, ये वही स्वीडन है जहां पर अल्फ्रेड नोबेल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था भैया, जो डायनामाइट का आविष्कारक है। नॉर्वे की संसद का नाम स्टोल्टिंग, और नॉर्वे की राजधानी अभी बच्चों को हमने बताया था ओस्लो, मध्यरात्रि का सूर्य कहां पर है, ओस्लो, सॉरी नॉर्वे में, ये भी प्रश्न आता है नॉर्वे में। नोबेल पुरस्कार तो पढ़े ही थे आप हमसे, छह कैटेगरी दिए जाते थे, जिनमें पांच कैटेगरी रसायन भौतिकी अर्थशास्त्र साहित्य और चिकित्सा, ये जो पांच क्षेत्र थे ये दिए जाते थे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से, परंतु एक पुरस्कार था जिसका नाम था शांति का पुरस्कार, वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। भाई भूटान की राजधानी, भूटान की संसद का नाम क्यों सम गंडू कीटे, क्लियर हो गई बात, ये भूटान की राजधानी याद रखिएगा, भूटान की राजधानी याद रखिएगा, क्या नाम है, थिम्पू, और भूटान का पेपर बहुत बढ़िया था, क्या था बालक, किस देश को लैंड ऑफ थंडर गोल्ड कहते हैं, लैंड ऑफ थंडर गोल्ड, तो लैंड ऑफ थंडर गोल्ड किसको कहते हैं भैया, भूटान को कहते हैं, क्लियर। फिर भैया पोलैंड, पोलैंड की संसद का नाम सोजिन, और पोलैंड की राजधानी का नाम वार्सा, भाई प्रश्न बहुत प्रश्न सीखो जबरदस्त तरीके से। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, और भैया पाकिस्तान की पूर्व राजधानी भी पूछी जाती है, पूर्व राजधानी जो होती है कराची, यो भाई ओल्ड कैपिटल, ठीक है क्लियर। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, भाई चलो इसको पता लेते अच्छे से, तो नेपाल की संसद का नाम क्या, राष्ट्रीय पंचायत हो गया, और याद रखिएगा नेपाल राजधानी क्या है, काठमांडू, और हमने बताया था सार्क कम कैले साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन कहां स्थित है, काठमांडू में। मिस्र की संसद का नाम पीपुल्स असेंबली, और मिस्र की राजधानी का नाम क्या है, कायरा, और हमने बताया था नील नदी की देन किसे कहते हैं, तो नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं भैया। चीन, चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और चीन की राजधानी का नाम बीजिंग, और चीन का प्रश्न आता है कि एक पीली नदी पाई जाती है जिसको कहते हैं वांगो नदी, पीली नदी मतलब वांगो नदी, ठीक है वांगो, और इसको मतलब कहते हैं एलो रिवर, और ये एलो रिवर किस देश में रहती है, चीन में, और इसी को बोलते हैं क्या, चीन का शोक भी कहते हैं, चीन का सोक भी किसे कहते हैं, वांगो को, मतलब पीली रिवर को। फिर फ्रांस की राजधानी, सॉरी फ्रांस की संसद नेशनल असेंबली, और राजधानी बालक सबको पता होगा पेरिस, और पेरिस का तो कई बार अच्छे पड़े हो, विश्व की जन्नत कहां पर है भैया, पेरिस में, और पेरिस किस नदी किनारे है, पेरिस है सीन नदी के किनारे भैया, ठीक है सारे प्रश्न पढ़ा दूंगा मैं। बांग्लादेश की संसद का नाम जाती संसद, बांग्लादेश की जो राजधानी उसका क्या नाम, उसका नाम ढाका, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, जब हमने पुस्तकें तुमको पढ़ाई थी तो एक हमने बताया था सारे भी होगी, एक पुस्तक है जिनका नाम था तस्लीमा नसरीन, वो बांग्लादेश की लेखिका थी जिन्होंने दो प्रश्न दो पुस्तकें लिखी थी जो पेपर पूछा थी, मुझे देना और प्रेम, और दूसरी पुस्तक का नाम था लज्जा। फिर बेटा बात करते हैं आगे की तरफ, आगे आयरलैंड, आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन, डेल आयरन, और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। भैया अगला मलेशिया, मलेशिया की संसद का नाम दीवान निकाला, और याद रखिएगा मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। फिर बेटा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। फिर वाला स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न। फिर तुर्की, तुर्की की संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली, और राजधानी अंकारा। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पार्लियामेंट, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। फिर वाला यूएसए, यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस, और यूएसए की राजधानी बच्चा बच्चा परिचित है वाशिंगटन डीसी। फिर आपको पता चल गया कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक, और कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट। तो इस प्रकार पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया भैया, ठीक है मजे से पढ़े आपने, मजे से आग लगा दी। बहुत बच्चे कहते सर आपके वीडियो के